हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एमटीजी एट योर फिंगर टिप्स का लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया था, यानी कि क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। तो इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। इसमें से मैं आज ये फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर तक को सॉल्व करवाऊंगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 51 से लेके 100 तक को, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने के लिए, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज के क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, द क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय लिनियस वाज डैश किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब हमें बोला गया है कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम लिनियस के द्वारा दिया गया था, वो कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम था। तो वो था आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें जो सिर्फ और सिर्फ टू किंगडम थे, यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस के द्वारा दिया गया था, यानी कि वन का आंसर क्या हो जाएगा, ए टू, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सर्व एज द क्राइटेरिया ऑफ फॉर द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज बाई आर एस विटेकर। मतलब हमें बोला गया है कि जो आर एस विटेकर जो क्राइटेरिया लिए थे उसमें कौन कौन सा इसमें जो है वो इंक्लूड था। तो देखिए सबसे पहला क्या है, सेल स्ट्रक्चर, एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ये लिया था उन्होंने, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, ये भी लिया था उन्होंने, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी एक क्राइटेरिया उन्होंने यूज किया था, तो ये भी क्या है, करेक्ट। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो यानी कि 2 का आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ इन विटेकर्स फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूकेरियोट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। मतलब बोला गया है कि विटेकर के फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो यूकेरियोट है उसको किस किंगडम में डिवाइड किया गया। तो देखिए जो विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें देखिए उसमें क्या था कि मोनेरा जो था उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक थे, बाकी जितने भी थे वो उसमें यूकैरियोटिक रखा गया था। पहले यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक रखा गया था प्रोटिस्टा में, बाकी मल्टीसेलुलर वैसे रखा गया था, ठीक है। तो ये हम कितने सिस्टम कितने क्लासिफिकेशन में आ गए, यूकैरियोट्स 4 में आ गया, और सिर्फ सिर्फ एक ही में जो है वो प्रोकैरियोट है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 4 किंगडम, ठीक है। तो यानी कि 3 का आंसर क्या आ जाएगा, सी, 4 किंगडम, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है यहाँ स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर 1 and 2 and 3 and 4। मतलब हमें बोला गया है ये टेबल को करेक्ट पढ़ना है और हमें बताना है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स 1, 2, 3, 4 में क्या क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सेल टाइप मोनेरा में, मोनेरा में क्या था, अभी मैंने आपको बताया था मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट होते। देखिए प्रोकैरियोट कहाँ है, यहाँ है एंड यहाँ, यानी कि सी एंड डी ऑप्शन आपका पहले एलिमिनेट हो गया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है मोनेरा में, क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो सर यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ कहाँ प्रेजेंट, यहाँ पे, यानी कि आंसर क्या आ गया है, 4 का बी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 3 में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एमिलियम एनिमिलियम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट होता है, यानी कि इसका क्या हो गया, प्रेजेंट, ठीक है। अब देखिए बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजर फंजाई में क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, तो देखिए मल्टी सेलुलर, यानी कि 4 का आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में, यहाँ बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर शेप। मतलब हमें बोला गया है बैक्टीरिया को हम 4 कैटेगरीज में रखते थे अकॉर्डिंग टू देयर शेप। यहाँ पे हमें क्या बताना है, स्टडी द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस। मतलब हमको ये करेक्ट ये फिगर्स देखना और हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पे पहला फिगर क्या है, रॉड शेप्ड है, रॉड शेप्ड को हम लोग क्या कहते हैं, बैसिलस कहते हैं, क्या बैसिली या फिर बैसिलस, ठीक है, बैसिली। तो देखिए यहाँ पे बैसिली कहाँ है, यहाँ है एंड यहाँ है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, ये है स्पाइरिला शेप्ड, तो ये क्या हो जाएगा, स्पाइरिला। तो देखिए स्पाइरिला कहाँ है, यहाँ है एंड यहाँ है, ठीक है। ये कॉमा शेप्ड है, कॉमा शेप्ड क्या होता है, विब्रियो, विब्रियो होता है। तो देखिए विब्रियो कहाँ है, यहाँ है एंड ये स्पेरिकल है, कॉकस यानी कॉकी, क्या है, कॉकी, ठीक है। तो देखिए कॉकी यहाँ, यानी कि 5 का आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिथेनोजेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मतलब बोला गया है कि ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको एक और रिगार्डिंग द मिथेनोजेंस, इनको हमको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक है। देखिए सबसे पहले दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप आर्किबैक्टीरिया, क्या करेक्ट है, हम लोग जो मिथेनोजेंस होता है वो प्रेजेंट होता है आपका आर्किबैक्टीरिया में, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन द गोबर गैस प्लांट, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। आर्किबैक्टीरिया जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द
बायोगैस इन द गोबर गैस प्लांट, ठीक है, तो ये क्या करेक्ट हो गया। आगे देखिए, दे लिव इन द हॉट सल्फर स्प्रिंग, नहीं ये जो होता है हॉट सल्फर स्प्रिंग में नहीं रह सकते हैं, ये प्रेजेंट होता है आपका रूमिनेंट्स ऑफ द गट्स ऑफ द रूमिनेंट में, यानी कि ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, दे आर स्ट्रिक्टली एनारोबिक, क्या करेक्ट है, ये जो होता है स्ट्रिक्टली एनारोबिक, यानी कि आपको करेक्ट कौन कौन सा हो गया, वन हो गया, थ्री टू हो गया एंड फोर हो गया। ठीक है, तो देखिए कहाँ है, वन एंड टू आर करेक्ट, वन एंड टू करेक्ट है लेकिन फोर भी करेक्ट है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखिए, स्टेटमेंट वन टू फोर आर करेक्ट, ये क्या, ये हो गया आंसर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सिक्स का बी। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन में। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल बैक्टीरियल सेल, मतलब हमें बोला गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है अबाउट द एक टिपिकल स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल के बारे में। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले, सेल पोजेस नेकेड सर्कुलर डीएनए विच इज फोल्डेड टू फॉर्म न्यूक्लियॉइड, ये क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, नेकेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं जो कि फोल्डेड होगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियॉइड, तो ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे देखिए, सेल्स आर सराउंडेड बाय ए ग्लाइको पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल एंड ए म्यूसिलेजिनस शीथ, ये क्या हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। यहाँ पे सेल जो होता है सराउंडेड होता है पेप्टिडोग्लाइकन के सेल वॉल से एंड म्यूसिलेजिनस शीथ से, ये क्या है, करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखिए, सेल पोजेस वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, क्या हमें बोला गया है कि सेल जो होता है बैक्टीरियल सेल उसमें वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या है, इनकरेक्ट। यहाँ पे वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखिए, राइबोसोम्स इन द इन दिस सेल्स आर 70S इन नेचर, ये भी क्या है, करेक्ट है। जो हमारा जो आपका बैक्टीरियल सेल है उसमें 70S राइबोसोम्स होता है, यानी कि ये क्या करेक्ट है, यानी कि यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा हो गया, सी हो गया, यानी कि सेवन का आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट में यहाँ है, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, मतलब हमें बोला गया है कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो किस किंगडम में जो है रखा गया, तो साइनोबैक्टीरिया को हम रखते हैं मोनेरा में, क्या, मोनेरा में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोनेरा, यानी कि एट का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन में यहाँ है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ द साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्लूड, मतलब हमें बोला गया है कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट साइनोबैक्टीरिया में होता है वो कौन कौन सा होता है, तो उसमें तो सबसे पहले आपका क्लोरोफिल ए हो जाता है, फिर आपका जैंथोफिल्स भी हो जाते हैं एंड कैरोटीनिड्स भी हो जाते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में यहां क्या है, साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट बिकॉज दे काउज, मतलब हमें बोला जा रहा है कि जो साइनोबैक्टीरिया है उसको हम लोग यूज करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट, ये किस लिए, तो वो होता है आपका N2 फिक्सेशन के कारण, ये जो साइनोबैक्टीरिया है वो करता है हमारा N2 फिक्सेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, N2 फिक्सेशन। ठीक है, यानी कि 10 का आंसर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, अब आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है, यहां देखिए, गिवन फिगर इज ऑफ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा, मतलब हमें बोला गया ये जो फिगर दिया गया है ये ब्लू ग्रीन एल्गा नॉस्टॉक का दिया गया है, नॉस्टॉक का फिगर दिया गया है, और हमको बताना आइडेंटिफाई द पार्ट्स मार्क्ड ए बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो यहाँ पे ए और बी जो मार्क्ड क्या हुआ है इसको हमको बताना है, तो ए जो क्या है ये है आपका हेटरोसिस्ट और इसमें क्या होता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो ये क्या हो गया, हेटेरोसिस्ट, हेटेरो सिस्ट। ठीक है, और ये जो है ये जो कवरिंग है उसको हम लोग कहते हैं म्यूसिलेजिनस सिथ, ये है आपका म्यूसिलेजिनस सिथ, म्यूसिलेजिनस सिथ है ये आपका। ठीक है, तो देखिए ये ए क्या हो जाएगा, हेट्रोसिस्ट हो जाएगा एंड बी हो जाएगा आपका म्यूसिलेजिनस सिथ, तो देखिए ए में हेट्रोसिस्ट एंड म्यूसिलेजिनस सिथ, यानी कि 11 का आंसर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेट्रोसिस्ट, मतलब हमें बोला गया है ये सारे स्टेटमेंट दिए हैं गया है आपके अबाउट द हेट्रोसिस्ट और इसमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है, दे आर प्रेजेंट इन सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया सच एज नॉस्टॉक एनेबिना, ये क्या है, करेक्ट है, क्योंकि जो हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है वो जो साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं उसमें हेटरोसिस्ट होता है, जैसे कि नॉस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया, तो ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, और हमको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है। ठीक है, आगे देखिए, दिस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म N2 फिक्सेशन, ये भी अभी मैंने आपको बताया कि हेटरोसिस्ट जो होता है वो N2 फिक्सेशन में हेल्प करता है, और ये हो गया यानी कि स्पेशलाइज होता है टू परफॉर्म N2 फिक्सेशन, ये क्या है, करेक्ट है। उसके बाद देखिए, दिस सेल्स कंटेन्स एंजाइम नाइट्रोजिनेज, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो इसमें नाइट्रोजिनेज होगा ही होगा, तो ये भी क्या है, करेक्ट है, यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा, डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में यहां देखिए, गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल साइनोबैक्टीरियल सेल, मतलब ये एक टिपिकल साइनोबैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है, हमको बताना है आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ए फॉर ए एंड बी, मतलब ये हमको इसको आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स को, और ए एंड बी का हमको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि ए एंड बी जो है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां पे ए में क्या है, ये जो है आपका न्यूक्लियॉइड है, यानी कि नेकेड आपका जो डीएनए है वो है, यानी कि ये हो गया आपका नेकेड, नेकेड डीएनए न्यूक्लियॉइड,
न्यूक्लियोइड, ठीक है। आगे देखिए ये बी बी आपका क्या है, ये है आपका थैलाकॉइड, थैलाकॉइड है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा नेकेड डीएनए एंड बी में हो जाएगा थैलाकॉइड। तो कहाँ है, यहाँ ए में, यानी कि 13 का आंसर क्या गया, ए, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, डैश बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। मतलब हमें बोला गया है कौन सा बैक्टीरिया जो है ऑक्सीडाइज करता है वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि हो गया नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स एंड देन अमोनिया, ठीक है, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिसाइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट। और जो ये है, इसका जो एटीपी निकलता है, एनर्जी जो निकलता है उसको एटीपी प्रोडक्शन में यूज करते हैं, एंड ये इंपॉर्टेंट रोल करता है इन द रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के। तो ये कौन सा बैक्टीरिया है, तो ये है आपका केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होता है, ये वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करता है, इससे इसको ऑक्सीडाइज करता है और इसको जो एनर्जी निकलता है उसको एटीपी में प्रोडक्शन में यूज करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, यानी 14 का आंसर क्या आ जाएगा, बी, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए यहां क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, यहां है इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम द किंगडम दैट इंक्लूड्स द ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड द मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया इज। मतलब हमें बोला गया है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में वैसा कौन सा किंगडम है जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है एंड मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया होता है। तो वो होता है आपका मुनेरा में, किसमें, मुनेरा में, ठीक है। तो देखिए 15 का आंसर क्या आ जाएगा, डी, मुनेरा, ठीक है। अब आगे बात हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में, यहाँ डैश आर द इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स दैट काउज डीके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब हमें बोला गया है कि इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स कौन सा है जो कि डीके करता है ऑफ द डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो हो जाता है आपका सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड सेप्रोफाइटिक फंजाई, ये दोनों जो होते हैं ये आपके इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, यानी कि 16 का आंसर क्या गया, डी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में, सेलेक्ट अ पेयर दैट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बैक्टीरिया डिजीज। मतलब हमें बोला गया है हमको एक पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें कि एक प्लांट एंड एक आपका एनिमल जो है वो आपका बैक्टीरियल डिजीज होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या हमें बताना है, प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल बैक्टीरियल डिजीज ही बताना है। देखिए कॉलरा एंड टाइफाइड, कॉलरा एंड टाइफाइड जो होता है वो क्या होता है, कॉलरा एंड टाइफाइड जो होता है वो आपका बैक्टीरियल डिजीज होता है जो कि एनिमल में प्रेजेंट होता है, एनिमल में होता है, ठीक है। आगे देखिए साइट्रस कैंकर एंड आपका है ये ग्राउंड वॉल, ये भी क्या है, ये जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, ये होता है प्लांट में और ये हो जाता है एनिमल में। तो ये हो गया मलेरिया एंड डेंगू, मलेरिया एंड डेंगू जो होता है बैक्टीरिया से नहीं होता है, ये होता है आपका स्पोरोफाइट से। तो ये क्या हो जाए, स्पोरोजोइट से, तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये नहीं हो गया, ये हट गया, और यानी कि ए एंड बी में होगा, यानी कि 17 का आंसर क्या आ गया, डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में, यहां है डैश इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फॉर रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। मतलब हमें बोला गया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन मेथड है इन बैक्टीरिया। तो वो होता है आपका बाइनरी फ्यूजन, यानी कि बाइनरी फ्यूजन जो होता है मोस्ट कॉमन होता है इन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया फॉर द रिप्रोडक्शन, यानी कि 18 का आंसर क्या आ जाएगा, ए, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में, यहां क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, माइकोप्लाज्मास आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। मतलब हमें बोला गया है माइकोप्लाज्मा को हम किस किंगडम में रखते हैं, तो माइकोप्लाज्मा जो होता है उसको हम लोग रखते हैं मुनेरा में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 19 का, ए, मुनेरा, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में, यहां है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइकोप्लाज्मा। मतलब हमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट है करेक्ट है अबाउट द माइकोप्लाज्मा। तो देखिए माइकोप्लाज्मा में सबसे पहला क्या, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल जो होता है एब्सेंट होता है, तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया आपका करेक्ट हो गया, और हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो अब आगे देखिए दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, ये भी क्या है, करेक्ट है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि जो आपके माइकोप्लाज्मास होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में, यहां रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मतलब हमें एक स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया है, दोनों को स्टेटमेंट को पढ़ना है, उनको बताना है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया पोजेस लिपोप्रोटीनियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, करेक्ट है, सारे बैक्टीरिया में ऑलमोस्ट लिपोप्रोटीनियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है। उसका देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आर्की बैक्टीरिया एज वेल एज यू बैक्टीरिया हैज द सेम टाइप ऑफ लिपिड। मतलब बोला गया कि आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया का दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेम टाइप ऑफ लिपिड प्रेजेंट होता है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट होता है, दोनों में सेम टाइप ऑफ लिपिड प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यानी कि 21 का आंसर क्या गया, बी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
2022 में, यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब हमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया काउज 90% ऑफ द ह्यूमन डिजीज, ये भी क्या है करेक्ट है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होता है 90% ह्यूमन डिजीज को कॉज करता है, तो ये हो गया करेक्ट, ठीक है। आगे देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिनोमाइसिटिस स्ट्रेप्टोमाइसिस विच आर अ क्लास ऑफ फंजाई, मतलब हमें बोला गया है कि मोस्ट ऑफ द आपका एंटीबायोटिक्स होता है वो सिक्रीट करता है एक्टिनोमाइसिटिस के द्वारा, और वो जो है एक क्लास ऑफ फंजाई है, तो नहीं ये क्लास ऑफ फंजाई नहीं है, ये क्लास ऑफ बैक्टीरिया है, स्फेरिकल बैक्टीरिया होता है, तो ये क्या हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, यानी कि 22 का क्या हो गया बी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, मतलब हमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा किंगडम जो है जिसका वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होता, तो वो होता है आपका प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का बी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में, यहाँ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, मतलब हमें बोला गया इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया, तो क्रैसोफाइट्स एंड डायफिलोजेनेट्स को रखा गया है, यूक्लिनोइड्स को रखा गया है, स्लाइमोल्स एंड प्रोटोजोआ के रखा गया, यानी कि 24 का आंसर क्या आ जाएगा डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में, मेंबर्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा आर प्राइमरली, मतलब हमें बोला गया है कि किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर जो होता है प्राइमरली क्या होता है, तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके मेंबर्स एक प्राइमरली जो होते हैं वो होते हैं एक्वेटिक, क्या एक्वेटिक, ठीक है। तो 25 का आंसर क्या आ जाएगा सी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में, यहां द किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन किंगडम, मतलब हमें बोला गया है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है वो किस किंगडम के बीच में लिंक फॉर्म करता है, तो वो होता है आपका एक तो प्लांटी एंड दूसरा फंजाई एंड एनिमलिया, सारे के बीच में जो है लिंक फॉर्म करते हैं, यानी 26 का आंसर क्या गया डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में, यहां व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इनकरेक्टली डिस्टिंग्विशेस द किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, मतलब हमें बोला गया है इनमें से कौन सा डिफरेंस जो है वो इनकरेक्टली डिस्टिंग्विश कर रहा है अबाउट द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, इंक्लूड्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, क्या है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट होता है, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे देखिए यहां पे प्रोटिस्टा इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, नहीं यहां पे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स नहीं होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो होता है वो रहता है प्रोटिस्ट में, तो पहले ही जो है इनकरेक्ट है, यानी कि 27 का आंसर क्या गया ए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में, है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड अंडर क्रैसोफाइट्स, मतलब हमें बोला गया है कि जो क्रैसोफाइट्स होते हैं उसमें से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, तो आपको क्रैसोफाइट्स में सबसे पहले डायटम्स प्रेजेंट होता है, डायटम्स प्रेजेंट होता है, दूसरा डेसमिट्स प्रेजेंट होता है, डेसमिट्स प्रेजेंट होते हैं, देखिए डायटम्स एंड डेसमिट्स कहां है, ए में है, डायटम्स एंड डेसमिट्स, यानी कि डेसमिट्स को हम लोग गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, यानी कि 28 का आंसर क्या गया ए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में, क्रैसोफाइट्स आर, मतलब हमें बोला गया क्रैसोफाइट्स क्या होते हैं, तो क्रैसोफाइट जो होता है वो होता है आपका प्लैंकटॉन्स, या तो फाइटोप्लैंकटन होगा या फिर ये फैटोप्लैंकटन्स हो सकते हैं, यानी कि 29 का आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। अब आता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में, यहाँ द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर लाइक अ सोप केस इन, मतलब में बोला गया है सेल वॉल जो होता है सेल वॉल जो होता है वो कंपोज होता है टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स से, जो कि जैसा जैसा सोप केस होता है वैसा फिटिंग होता है, वो किस में प्रेजेंट होता है, तो वो होता है आपका डायटम्स में, डायटम्स में क्या होता है कि जो आपका जो सेल वॉल होता है वो टू ओवरलैप सेल्स होता है जो फिट करता है लाइक अ सेप सोप केस, यानी कि 30 का आंसर क्या आ जाएगा बी डायटम्स, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में, यहां सिलिकेसियस प्रोटोसिस ऑफ डायटम्स बीइंग इंडिस्ट्रक्टिबल पिल्ड अप टू द बॉटम the ocean and formed a thick bed over the billion of years, such thick bed is known as, मतलब हमें बोला गया है सिलिकेसियस फ्रुटल्स जो होता है आपका डायटम्स का वो इंक्लूड करता है, इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, पाइल्ड अप होता है ऑफ द बॉटम ऑफ द सी में, उस जो थिक बेड कवर फॉर्म करता है बिलियन ऑफ इयर्स के बाद, तो वो जो थिक बेड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डायटमेसियस अर्थ, डायटमेसियस अर्थ, ठीक है। तो यानी कि 31 का आंसर क्या जाएगा बी डायटमेसियस अर्थ, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, डायटमेसियस अर्थ इज यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट, मतलब हमें बोला गया है ये आपका दिया गया है कि डायटमेसियस अर्थ जो होते हैं वो इन चीजों में यूज होते हैं, एक्सेप्ट किस में यूज नहीं होता, तो देखिए सबसे पहले पॉलिशिंग में यूज होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ वॉल्स एंड सिरफ में यूज होता है, मेकिंग ऑफ साउंड फायर प्रूफ रूम्स में होता है, बायोगैस प्रोडक्शन में यूज नहीं होता है आपका डायटमेसियस अर्थ, यानी कि 32 आंसर क्या जाएगा डी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में, डायनोफ्लैजेलेट्स आर मोस्टली, मतलब हमें बोला गया है
है कि जो आपके डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं वो मोस्टली क्या होता है, तो डायनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं मोस्टली मेरीन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि 33 का आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में है, अ स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप शोज फॉलोइंग फीचर्स। मतलब हमें बोला जा रहा है कि एक माइक्रोस्कोप में अगर हम एक स्लाइड को देख रहे हैं तो ये सारे फीचर्स शो कर रहे हैं, उसके बाद हमको बताना है व्हाट वुड यू आइडेंटिफाई इट एज, मतलब हमको ये इस चीज को हम किस चीज में आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए ये यूनिसेलुलरिटी, तो यूनिसेलुलर है इसे या तो आपका मोनेरा हो सकता है या प्रोटिस्टा हो सकता है, ये तो पहले आपको पता चल गया। ठीक है, बेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो बेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी कि ये क्या होगा, यूकैरियोट्स होगा, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स किस में होता है, वो होता है आपका प्रोटिस्टा में। सबसे पहले इन दोनों चीज से हमें ये पता चलेगा कि प्रोटिस्टा का है। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि ये बायफ्लैजिलेट है, वन फ्लैजिलम लाइंग लॉन्गिट्यूडिनली एंड वन ट्रांसवर्सली, जो ये जो होता है बायफ्लैजिलेट और एक जो फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडिनली होता है एंड अदर ट्रांसवर्सली होता है, वो प्रेजेंट होता है आपका डायनोफ्लैजिलेट्स में, किसमें, डायनोफ्लैजिलेट्स में। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट में, तो देखिए सबसे पहले दोनों आपने ऑप्शन पढ़ा तो इससे पता चलेगा कि ये प्रोटिस्टा का है, और जब आपने लास्ट में ऑप्शन पढ़ा तो प्रोटिस्टा में कौन है, डायनोफ्लैजिलेट, इससे पता चल गया, यानी कि 34 का आंसर क्या जाएगा, डी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ है, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड इन द गिवन फिगर, मतलब ये जो फिगर दिया गया है इसमें कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो है आपका डायनोफ्लैजिलेट। देखिए यहाँ पे क्या है, एक ये दो आपका जो है वो है फ्लैजिला, एक जो है वो लॉन्गिट्यूडनली है, दूसरा क्या है ट्रांसवर्स, यानी कि 34 का आंसर क्या जाएगा, बी, 35 का आंसर क्या जाएगा, बी, डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में, क्वेश्चन नंबर 36 में यहाँ क्या है, रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल वाटर डेवलप ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ, मतलब हमें बोला गया है कि जो रेड टाइड्स होता है वो किसके कारण होता है, तो रेड टाइड जो होता है वो होता है आपका डायनोफ्लैजिलेट्स के कारण, 36 का आंसर क्या जाएगा, ए। ठीक है, अब आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इग्लूनॉइड्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वंस, यानी कि हमें बोला गया है ये इग्लूनॉइड्स के बारे में स्टेटमेंट दिया गया और हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट द इग्लूनॉइड्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दीज आर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्टैग्नेंट वाटर, ये क्या करेक्ट है, जो आपका इग्लूनॉइड्स होता है जनरली जो होता है फ्रेश वाटर में पाया जाता है और ये स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए देयर बॉडी इज कवर्ड बाय अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल व्हिच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, मतलब हमें बोला गया है कि जो आपका इग्लूनॉइड्स होता है उसका बॉडी कवर्ड होता है बाय अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल और इसका ये जो होता है इसका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, ये भी क्या करेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड बिकम ऑटोट्रॉफ्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये भी क्या करेक्ट है, जो आपका यूग्लिनॉइड्स होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपका काम करेगा फोटोसिंथेटिक की तरह और जब उसमें एब्सेंट होता है सनलाइट तो वो काम करता है हेटरोट्रॉफ्स की तरह, तो ये क्या करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए दे यूजुअली पोजेस टू फ्लैजिला वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट, ये भी क्या है करेक्ट है, उसमें दो फ्लैजिला होता है एक लॉन्ग होगा एंड एक शॉर्ट होगा, तो ये भी क्या करेक्ट है। आगे देखिए यूग्लिनॉइड्स मल्टीसेलुलर सिलिएट प्रोटिस्ट, मतलब बोला गया है यूग्लिनॉइड जो होता है मल्टीसेलुलर सिलिएट प्रोटिस्ट नहीं होता, देखिए इसमें सिलिएट ये जो है ये मल्टीसेलुलर तो होता है बट ये सिलिएट प्रोटिस्ट नहीं, यानी कि ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इनकरेक्ट कौन सा है, फिफ्थ है। देखिए ये ऑप्शन कहां पे है, डी में, यानी कि 37 का आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में है, द गिवन स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ये ग्रुप ऑफ ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें से हमको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है आइडेंटिफाई करेगा इस ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखिए इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल मेकिंग देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, ये क्या, इससे क्या पता चल रहा है, इसे पता चल रहा है कि ये यूग्लिनॉइड्स हो सकता है। ठीक है, दिस हैव टू फ्लैजिला ए शॉर्ट एंड ए वन लॉन्ग वन, इससे भी क्या पता चल रहा है कि ये भी यूग्लिनॉइड्स हो सकता है, दिस ए मेजोट्रोपिक सो मेजोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये भी क्या है यूग्लिनॉइड्स को ही बता रहा है कि यूग्लिनॉइड्स का जो आपका न्यूट्रिशन होता है वो मेजोट्रोपिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दे आर द कनेक्टिंग लिक्विड विद द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी क्या है करेक्ट है, यानी कि ये प्रोटिस्ट में से आपका यूग्लिनॉइड्स है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, डायटम्स स्लाइमोल्स डेसमेट्स एंड डायटम्स और डी में, यानी कि डी है यूग्लिनॉइड्स, यानी कि 38 का आंसर क्या गया, डी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, स्टडी द गिवन फिगर्स shows the structure of euglena and select the option that correctly identifies A, B, C, D. मतलब ये बोला गया है, ये structure दिया गया है आपका euglena का और हमको जो ये आपका naming है, आपका structure का donation जो denote किया गया है, उसको हमको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है आपका सही होगा match करके। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए A है, A आपका क्या है, ये जो है वो है आपका साइटोसोम, साइटोसोम है और यहाँ से जो है आपका फ्लैजिला निकलता है, तो ये क्या हो गया साइटोसोम। तो देखिए साइटोसोम कहाँ, यहाँ है एंड यहाँ है, यानी कि ए एंड बी आपका ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या है, बी में, बी जो है वो है आपका स्टिग्मा, तो देखिए स्टिग्मा कहाँ है, यहाँ है एंड यहाँ है, इससे कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होता है। आगे देखिए इसका सी क्या है, सी है आपका पैरामाइलम बॉडी, यानी कि पैरामाइलम
बॉडी, ये है आपका पैरामाइलम बॉडी, पैरामाइलम बॉडीज कहाँ है, यहाँ, यानी कि इसका आंसर क्या निकल के आ गया 39 का सी, ठीक है। आगे देखिए डी में, डी में डी जो है वो है आपका क्लोरो क्लोरो प्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट, यानी कि 39 का आंसर आ गया आपका सी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना और हमको करेक्ट स्टेटमेंट से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इग्लिना कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, मतलब हमें बोला गया है इग्लिना को हम लोग प्लांट कंसिडर कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो ये क्या है, करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इसको हम लोग प्लांट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए इग्लिना कैन नॉट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी क्या है, करेक्ट है, यूग्लिना को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 का ए, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूग्लिना इज करेक्ट, मतलब हमें बोला गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है अबाउट द यूग्लिना जो कि करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यूग्लिना इज अ फ्लैजेलेट ऑर्गेनिज्म, ये भी क्या करेक्ट है, ये यूग्लिना जो होता है फ्लैजेलेट ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें दो ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, और इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि इसका आंसर करेक्ट किया जाएगा 41 का ए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में है, स्लाइम मोल्ड्स आर, मतलब मैंने बोला गया कि स्लाइम मोल्ड्स क्या होता है, तो स्लाइम मोल्ड जो होता है वो होता है आपका सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, यानी 42 का आंसर क्या आ जाएगा बी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, कॉलम मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड, यानी कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिया गया है, इन कॉलम को मैच करना है और हमको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सबसे पहला क्या है, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशंस, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशंस होता है वो होता है आपका डायटम्स, यानी कि ए का क्या हो जाएगा 2, तो देखिए ए का 2 कहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यानी यहां नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन तो आपका पहले नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए यहां पे क्या है, रेड टाइड, रेड टाइड किसके द्वारा होता है, रेड टाइड जो होता है वो होता है आपका डायनोफ्लैजेलेट्स के कारण, यानी कि बी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बी का 4 कहां, यहां है, यहां, यहां, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब उसके बाद है क्या, मेजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मेजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसका होता है, यूग्लिना का होता है, यानी कि यूग्लिनॉइड्स का होता है, यानी कि सी का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखिए सी का 1 यहां, यानी कि ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखिए प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का, प्लाज्मोडियम जो प्रेजेंट होता है वो होता है स्लाइमोड्स में, यानी कि डी का क्या हो जाएगा 3, यानी कि 43 का आंसर क्या आ गया ए, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ है, रीड द मल्टी न्यूक्लियेट स्लाइमी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच फॉर्म्स द बॉडी ऑफ द स्लाइम मोल्ड्स इज कॉल्ड, हमें बोला गया है कि मल्टी न्यूक्लियेट स्लाइमी मास होता है ऑफ द प्रोटोप्लाज्म जो कि फॉर्म करता है बॉडी ऑफ द स्लाइम मोल्ड्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आपका प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से इसका बॉडी बना होता है, इसलिए हम इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है। यानी कि 44 का आंसर क्या आ गया, प्लाज्मोडियम ए, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर्स इज ट्रू फॉर द स्लाइम मोल्ड्स, मतलब हमें बोला गया इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो होता है ट्रू होता है अबाउट द स्लाइम मोल्ड्स, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पैरासिटिक प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल्स स्पोर्स डिस्पर्स्ड बाय करंट, तो देखिए सबसे पहले ये हमने जानना है कि स्लाइम मोल्ड्स क्या होता है, तो स्लाइम मोल्ड जो होता है वो आपका सबसे पहले तो वो आपका सैप्रोफाइटिक होता है, तो पैरासिटिक वाला ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देना है, तो ये हो गया। अब देखिए अब हमसे बोला गया है इसमें प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम होता है तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई हो सकता है, उसका विदाउट बॉल्स भी, ये विथ बॉल्स नहीं होता, विदाउट बॉल्स होता है, ठीक है। देखिए विदाउट बॉल्स यहाँ दिया गया, यानी कि 45 का आंसर क्या गया डी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, डैश इज अ पैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड कॉजेस दैट डिजीज, मतलब हमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो है पैरासाइट वो ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है एंड कौन सा जो है वो आपका डिजीज कॉज करता है, तो देखिए इंटमीवा हिस्टोलिटिका जो होता है वो आपका ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाते हैं एंड ये एमेबिक डिसेंट्री जो होता है वो फॉर्म डिजीज कॉज करवाता है, यानी 46 आंसर क्या जाएगा बी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में यहाँ है, कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्लीपिंग सिकनेस एंड कालाजार बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, मतलब हमें बोला गया है कि जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है स्लीपिंग सिकनेस एंड द कालाजार का वो प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट के कौन से मेंबर में प्रेजेंट होते हैं, तो वो होता है आपका फ्लैजिलेटेड में, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स जो होते हैं उसका एग्जांपल है स्लीपिंग सिकनेस एंड कालाजार कॉजिंग डिजीज कॉजिंग आपका जो ऑर्गेनिज्म होता है वो, तो यानी कि 47 का आंसर क्या आ जाएगा बी, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर ऑफ अ प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट एंड
करेक्ट ऑप्शन मतलब हमें बोला गया है ये एक प्रोटोजोअन का फोटो दिया गया है और इसको हमको फिगर को आइडेंटिफाई करना है एंड करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही डिनोट कर रहा है आपका इस फिगर को। तो ये है आपका ट्रिपैनोसोमा गैम्बेसी का, ट्रिपैनोसोमा गैम्बेसी का ये फिगर है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 का डी ट्रिपैनोसोमा गैम्बेसी। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, मतलब हमें बोला गया है इनमें से कौन सा जो है वो सिलिएटेड प्रोटोजोअन है। तो सिलिएटेड प्रोटोजोअन का एग्जांपल है आपका पैरामीशियम कॉडाटम। ठीक है, पैरामीशियम, यानी कि 49 का आंसर क्या आ जाएगा सी। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में यहां क्या है, रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ द पैरामीशियम कॉर्डोटम एंड सेलेक्ट द करेक्टली आइडेंटिफाइड एबीसीडी, मतलब हमें बोला गया है ये पैरामीशियम कॉर्डोटम का फिगर दिया गया है और इसमें से हमको करेक्ट नेमिंग बताना है कि ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा एंड डी क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ए में देखते हैं, ए क्या है, ए जो है वो है आपका पेलिएकल, यानी कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसको हम लोग पेलिएकल कहते हैं, तो ये पेलिएकल है। ठीक है, तो देखिए पेलिएकल कहाँ कहाँ दिया गया आपका, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यानी कि ए ऑप्शन तो नहीं होगा आपका। ठीक है, ए ऑप्शन पहले ही आपका एलिमिनेट हो गया। बी, बी क्या है, ये है आपका सिलिया, क्या है सिलिया, तो देखिए सिलिया कहाँ कहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया है, तो ये तो ऑप्शन होगा पहले एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे डी भी एलिमिनेट हो गया, यानी कि 50 का आंसर डी भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे सी, सी ये क्या है, ये है आपका मैक्रो न्यूक्लियस, यानी कि ये जो है आपका मैक्रो न्यूक्लियस है। ठीक है, मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है, तो देखिए मैक्रो न्यूक्लियस कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, आगे देखिए डी में, ये जो है आपका साइटोसोम है, क्या साइटोसोम, साइटोसोम। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा साइटोसोम, यानी कि 50 आंसर क्या आ गया सी। ठीक है, तो यही सारे 50 क्वेश्चन जो थे मुझे आपको इस वीडियो में बताना था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ के एक बार और सॉल्व कर लोगे। और आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है, आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो आपको क्या इंप्रूवमेंट इसमें कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आप मुझे कमेंट में बताना। तो इस वीडियो में इतना ही, 50 क्वेश्चन मुझे आपको सॉल्व कराना था। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गया होगा, आप इसको, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।